हेलो एवरीवन, शिप्रस रसोई में आप सबको स्वागत करती हूँ। आज मैं शेयर करने वाली हूँ कस्टर्ड चीज़ केक। ये बहुत ही टेस्टी होते हैं, बच्चे से बड़े सबको बहुत पसंद आते हैं। घर में सडनली कोई गेस्ट भी आ जाए तो भी आप फटाफट बना के भी खिला सकते हो, और खाने में देखने में जितने लाजवाब है उतने खाने में उतने ही टेस्टी है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे बनता है ये केक। पहले मैंने यहाँ पे कुछ कुकीज़ ले लिए, चार पांच मेरे मोटे साइज़ के कुकीज़ थे, तो चार पांच कुकीज़ को ब्रेक कर ली है। अभी उसका पाउडर बना ली है मैंने मिक्सर में, और एक टिन में, केक टिन में मैंने ग्रीस कर ली है ऑयल। इसमें बिस्किट के पाउडर डाल के उसमें ऐड किए 2 स्पून बटर। इसको अच्छे से मिला लूँगी। और इसको अच्छे से हाथ से प्रेस करके इसको एक अच्छे शेप दे दूँगी। अभी यहाँ पे लिए मैंने एक पैन, ऐड कर रही हूँ 300 ml मिल्क और एक बोल में मैं थोड़ा सा मिल्क लेके ऐड कर रही हूँ 2 स्पून कस्टर्ड पाउडर। इसको अच्छे से मिला लूँगी कि कोई लम्स ना रहे। एकदम अच्छे से मिला लेना है। अभी इस मिल्क में वो कस्टर्ड पाउडर को ऐड कर दूँगी और इसको थोड़े टाइम के लिए पका लेंगे, जब तक ये पूरा गाढ़ा ना हो जाए। 4-5 मिनट के अंदर ये पूरा गाढ़ा हो जाएंगे। इसको कॉन्स्टेंटली इसको चलाना है, नहीं तो ये नीचे लग जाएंगे। अब इसमें ऐड कर रही हूँ शुगर और अच्छे से मिला लेंगे। कस्टर्ड में मैं ऐड कर रही हूँ मोजरेला चीज़ 100 ग्राम्स। आप कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हो, मेरे पास मोजरेला चीज़ था तो मैं वही ऐड कर रही हूँ। इसको भी अच्छे से मिला लेंगे। लास्ट में दे रही हूँ 1 स्पून बटर। इसको भी अच्छे से मिला लूँगी। 2 स्पून बटर मैंने ऐड की है। सारे मिश्रण को ठंडा करके मैंने मिक्सर में ले ली है। इसको अभी ब्लेंड कर लूँगी। ब्लेंड करने के बाद केक टिन में मैं इसको ऐड कर दूँगी बेकिंग के लिए। चारों तरफ अच्छे से सेट कर लेना है, फिर इसको देखिए। यहाँ पे मैंने एक पैन ली है, इसके नीचे बेक करने के लिए दे दूँगी। 15-20 मिनट्स ब्रेक होने के बाद ये रेडी हो जाएंगे। अभी देखिए 15 मिनट्स हो गए, एकदम रेडी है। और मैं इसको उठा के हाफ एन आवर रख दूँगी, फिर ठंडा हो जाने के बाद डीमोल्ड कर लेंगे। देखिए मैंने डीमोल्ड कर ली है, खाने के लिए एकदम रेडी है। ऊपर मैं दे दूँगी, थोड़ा सा डेकोरेट कर लूँगी स्ट्रॉबेरी के साथ। यहाँ पे मैंने एक स्ट्रॉबेरी रोज बनाई है, बीच में दे रही हूँ और चारों साइड में 4 स्ट्रॉबेरी के पीसेस। मैं काट के दिखा देती हूँ कैसा दिख रहा है हमारा कस्टर्ड चीज़ केक। नीचे जो ब्रेड कोटिंग है, नीचे जो मैंने बिस्किट की कोटिंग दी है उसमें ना बहुत अच्छे से जम जाते, तो ऑब्वियसली ये दे दीजिएगा।
देखिए बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही टेस्टी हुए। आप भी घर में ट्राई कीजिए और कमेंट पे मुझे ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।